पटियाला जिले हजरत मुहम्मद साहिब अते मुस्लिम भाईचारे खिलाफ इतराजोग टिप्पणी करने वाले ते वड्डी कार्रवाई की गई है। इस बारे SSP मनदीप सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि सोशल मीडिया ते हजरत मुहम्मद साहिब अते मुस्लिम भाईचारे खिलाफ इतराजोग टिप्पणी करने के मामले में थाना त्रिपड़ी विच वख-वख धाराएं हेठ मामला दर्ज किया गया अते आकाशदीप नाम के व्यक्ति नूं गिरफ्त च लै लिया गया। सोशल मीडिया से खास तौर पर फेसबुक से एक पोस्ट किसी ने पोस्ट की सी जिदे ते हजरत मुहम्मद साहब बारे ते एक साडे मुसलमान भाईचारे बारे कोई इहो जे अपशब्द ते जिहड़े माड़े कमेंट्स जिहड़े पाए सी। CM पंजाब वल्लों ते DGP पंजाब वल्लों बहुत इस गल दा सख्त सुनेहा है कि पंजाब दे विच सारे फिरके अमन मान नाल आपसी भाईचारक सांझ नाल रहिंदे आ। इत्थे ये गल पंजाब विच किसी भी लैवल ते गल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। असी जदों ही साढ़े कोले पोस्ट ध्यान च आई अज सवेरे ते असी साडा सोशल मीडिया सैल ते साडे जिहड़े CIA दे जिहड़े हैगे आ असी उहनां नूं ला के इहदे च प्रोपर टीम नूं नाल ला के असी उह ट्रैक कर ले। ट्रैक करके आकाशदीप नां दा लड़का है जिहड़ा कि पटियाले एक कोई किसी मीडिया हाउस दे विच प्रोडक्शन मैनेजर दे तौर ते पहलां काम करदा सी उन्हों असी उहदे च अरैसट कर लिया। वो अरैसट करन दे नाल नाल उहदे ते 188-295A-505 IPC उहदे ते तहत मुकदमा दर्ज करता। मुकदमे दर्ज दे नाल नाल उहदे च उहदा मोबाइल है जिहदे नाल उहने मैसेज कीते सीगे उहनूं असी कब्जे दे विच लै लिया। इहनूं उहदी अरैसट पा के उह थाने विच बंद है। हुण कल नूं असी मानयोग अदालत विच पेश करके उहदा होर वी रिमांड लवांगे। एक गल बड़ी असी स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं किसी नूं भी जिहड़ी है किसी धर्म के विरुद्ध किसी फिरके दे विरुद्ध किसी जात के विरुद्ध बोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जिहड़ी बीमारी है उहदे विच जिहड़ा इन्हां ने असी सारे पंजाबियां ने जदों असी कहता हिंदुस्तानी है तो सारे हिंदुस्तानी हो गए तो जदों कहता पंजाबी है तो असी सारे पंजाब दे विच रह गए। असी सारयां ने रल मिल के जिवें लड़ना है वो उस बीमारी नूं अपने इलाके दे विच नहीं आउण देणागा। इहदे नाल नाल पर कोई इस बीमारी की आड़ दे विच कोई धार्मिक जिहड़ी आपस विच वैर विरोध करदा जां फिरका प्रस्ती कोई गल करदा वह असी बिल्कुल अलाउ नहीं करांगे। ते जे होर भी अगे जिवें कि असी पहलां भी जिहड़ी सोशल मीडिया ते किसी ने कीती है असी काफ़ी जोर ला के उहनूं भी ट्रैक कर लिया सी ते इस नूं भी ट्रैक कर लिया। इस करके शरारती अंसरां लई एक सख्त सुनेहा भी ये चीज़ां तुहानूं अलाउ नहीं कीतियां जा सकदियां। जे अलाउ करोगे तो तुहाडा जिहड़ा ओह थां जगह सोसाइटी विच नहीं गी ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। SSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਮਲ ਦੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV।